तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लैटिनम अमोनिया क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है, फोर आयन बनाना चाहिए। तो इसमें सिंपली दो तरह से आप कर सकते हो, या तो आप पूरा आयनाइजेशन करके देखें, Cl4AQ, तो ये हमारे ऐसे आयनाइज हो रहा है। जनरली प्लैटिनम फोर के कॉम्प्लेक्सेस यहां पे प्लैटिनम प्लस फोर का कॉम्प्लेक्स है और NH3 4 है, और ये क्या हो गया 4 Cl-। तो यहां गिने ऐसे मैं अप्लाई कर रहा हूं, 1 है और ये 4 है, तो ये पर फॉर्मूला कितने आयंस हमें प्रोवाइड कर रहा है, 5 आयंस। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज केवल फॉर्मूले को देख के भी पता चल जाता है। जैसे बी में दिया हुआ है, सी में ये ऑप्शन आपको दिया है, डी में ऑप्शन दिया है प्लैटिनम NH3 whole 4 Cl2 square bracket close Cl2। तो ऐसे पता चल जाता है इसमें लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, ये तो मॉलिकुलर स्पीशी हो गया कॉम्प्लेक्स। आयंस के लिए बाइपोलर होना चाहिए, लेफ्ट या राइट में कुछ होना चाहिए, तो ये तो जीरो आयंस देगा। अब यहां डायरेक्ट यहां से काउंट कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कितनी स्टोइकोमेट्री आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, मतलब 1 और ये 3, 1 और 3 मिला के कितना हो गया 4, और इसमें 1 यहां से मैं अप्लाई कर रहा हूं, यहां से 2, तो 1 + 2 मिला के ये 3 हो गया। तो 4 इसमें आपको देखने है, हमारा आंसर हो गया चेन्नई सी, सी ऑप्शन इज द आंसर।